पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आज जन्मदिन है और इस अवसर पर सिविल अस्पताल में ब्लड कैंप लगाया गया। सिविल हॉस्पिटल ब्लड कैंप के इनॉग्रेशन के मौके पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह एटो और विधायक अजय गुप्ता पहुंचे। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह एटो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के जन्मदिन के मौके पर सिविल अस्पताल में ब्लड कैंप लगाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के सीएम चाहते हैं कि उनके जन्मदिन पर ब्लड कैंप लगाया जाए। सीएम का मानना है कि रक्तदान महादान है जिससे लोगों की जिंदगी बच सकती है। देखो ये बहुत वधिया उपराला है कि साढ़े मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब जी का अज जन्मदिन आ और उस जन्मदिन के उत्ते असी सारे पंजाब के लोग जड़े ने उन्होंने एक अहद किया है कि असी उन्होंने जन्मदिन में खूनदान करके जड़ा है वह मनाना है। सो साढ़े पंजाब के 117 हल्कों के अज खूनदान कैंप जड़े ने वो लगे ने। साढ़े वॉलंटियर्स साढ़े नौजवान वड्डी तादाद दे विच खूनदान करन आ रहे ने क्योंकि खूनदान एक महादान इहदे नाल काफ़ी जिंदगियां जड़ियां ने वो सेव हो जांदियां ने। सो एक बहुत वधिया उपराला जड़ा वो कीता गया। साढ़े SMO साहब विजय कुमार जी सिविल सर्जन विजय कुमार जी और साडा पूरा स्टाफ इन्हों का जड़ा साढ़े MLA साहब अजय गुप्ता जी ये आप भी पेशे तो डॉक्टर ने। मैं देख रहा सीगा कि जदों ब्लड ला रहे सीगे नीडल ब्लड कढ़न वास्ते तो उदों आप देख रहे सीगे। सो साढ़े वैसे भी साढ़े कैबिनेट के विधानसभा के बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स इस बारी लोगों ने डॉक्टर्स की जिम्मेवारी जड़ी आ वो लगाई है विधानसभा के। सो हर जगह के उत्ते जिथे भी लोड़ पैंदी आ उत्थे ही पूरी कैबिनेट जड़ी आ पूरे सरकार जड़ी आ वो मदद कर रही है। सो असी अज के दिन के उत्ते मैं मान साहब नूं वधाई देना और नाल दे नाल जिन्ने भी साडे लोग साडे नौजवान साडे वॉलंटियर्स खूनदान करन आए ने उन्हां दा दिल दीआं गहराइआं तों धन्नवाद करदा कि उह इक नोबल काउज वास्ते अज सारे वख वख हस्पतालां दे विच ब्लड डोनेशन दे कैंपां दे विच जिहड़े ने उह इकत्तर हो रहे ने। मतलब सब लगदा कि 1 नवंबर ते पूरे विश्व दीआं निगाहां टिकीआं होईआं चैलेंज नूं लै के। हाँ बिल्कुल, क्योंकि असी चाहते हाँ कि जड़ा जो भी पंजाब दे नाल जिन्हें भी धोखा किया पंजाब दे नाल जिन्हें भी गदारी की आ वो चेहरे जरूर सामने होने चाहिए ने और वो चेहरे सामने किवें आ सकते ने जदों तुसी आमो सामने बैठोगे। आमो सामने बैठ के अखां दे विच अखां पा के गल करोगे उस वेले जनता भी देख रही होएगी मीडिया भी देख रहा होएगा उत्थों दुध दा दुध पानी दा पानी होएगा कि किन्ने पंजाब दा नुकसान किया। सो मैं विरोधी पार्टियां विरोधी धरां नूं इह कहिंदा आ बेनती करता है कि वह 1 नवंबर जितन साडा पंजाब दे वसा उस दिन मुकर्रर थां दे उत्ते जरूर पहुंचन और अपना पक्ष जिहड़ा आ वह जनता दे सामने जरूर रखन। केजरीवाल दा कट्टा चाहुंदा जी, देखो जे तां वह कुछ कहन वास्ते उन्हां कोल हैगा भजा तो वैसे दिते ने लोगों ने पहला ही भजाए ने 2022 दे विच भी, पर असी मौका देता असी मौका देता है कि तुसीं आके लोगों कोल अपना पक्ष जिहड़ा आ वह रख सकदे हो। डिस्कशन आ डिस्कशन दे विच लोग असली जज ने पंजाब दे लोग असली जज ने कि किन्हां ने पंजाब दे नाल धोखा किया किन्हां ने पंजाब नूं इस कंगार ते लिया के खड़ा किया उन्हां दे चेहरे जरूर सामने आने चाहिए ने। सो आ के उन्हां नूं अपनी सफाई उस दिन जरूर देनी चाहिए। हरभजन सिंह एटो ने यह भी कहा कि हमारे सारे वॉलंटियर बढ़ चढ़ कर इस रक्तदान कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि भगवंत मान ने 1 नवंबर को एक डिबेट बुलाई है जिसमें कई सारे नेता शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में के जरिए जनता को पता लगेगा कि पंजाब के मुद्दों पर किस पार्टी ने क्या काम किया है। जब तक सभी लीडर आमने सामने नहीं बैठेंगे तब तक जनता को पता नहीं चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है।